एक भक्त था, उसने भगवान से भगवान की तपस्या की तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा वर मांगो, वर क्या चाहिए? तब उसने कहा मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले ये वाला वरदान नहीं देता मैं अब। क्यों? वो तुम लोगों का भक्तों का कुछ पता नहीं है। शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दिया जिसके सिर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, वो शंकर जी के पीछे ही भागा है। बोले आपको भस्म करके पार्वती जी से हम ब्याह कर लेंगे। तब से भगवान बोले ये फालतू के वरदान हम नहीं देते, जो चाहो मिल जाओ, तो तुम कुछ भी मांग सकते हो, कुछ और मांगो। तो भक्त कहा बोले देना है तो यही वरदान दीजिए, नहीं तो मैं जाऊं। भगवान बोले खाली हाथ तो हम जाने नहीं देंगे, तो फिर दीजिए वरदान जो चाहूं सो मिल जाए। भगवान बोले ना तेरी ना मेरी, दोनों की रखते हैं, तू जो चाहेगा तुझे मिल जाएगा, लेकिन उसमें मेरी तरफ से ये और एड ऑन होता है कि जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। जो तुझे चाहिए वो तुझे मिलेगा लेकिन तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। मन में सोचने लगा तपस्या मैंने की, मेहनत मैंने की, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। लेकिन फिर भी वो ये बात मान करके अपने घर को आ गया। कोई बात नहीं, मुझे मेरी तपस्या का पड़ोसी खा लेगा, मेरा एहसान रहेगा उस पर। हे भगवान मेरा घर बन जाए बहुत बढ़िया। उसका तो एक घर बना, पड़ोसी के दो घर बन गए। हे भगवान मेरे पास बढ़िया गाड़ी आ जाए, उसके पास एक गाड़ी आई, पड़ोसी के पास दो गाड़ी। मन में विचार करने लगा हे भगवान मेरा सुंदर सी कन्या से ब्याह हो जाए, उसका तो एक कन्या से ब्याह हुआ, पड़ोसी के दो ब्याह। ये देखा नहीं गया उससे, मैं जो मांगता हूं इसको दुगना मिलता है, मुझसे अच्छा मिलता है, मुझसे श्रेष्ठ मिलता है। मन में विचार करने लगा मुझे एक मिलता है इसको दुगना मिलता है, यदि कोई घाटे की वस्तु मांगूं तो मुझे भी घाटा एक होगा, इसको दुगना होगा। हे भगवान आपने दो हाथ दिए हैं, मेरा उल्टा हाथ कट जाए, उसका तो एक हाथ कटा, पड़ोसी के दोनों हाथ कट गए। आपने दो आंख दिए, मैं एक से भी देख सकता हूं, मेरी एक आंख पधार जाए, उसकी एक आंख पधारी, पड़ोसी की दोनों। तो ये कहने की एक विनोद की बात है, लेकिन बंधु इस प्रकार की याचना जो भगवान से करते हैं उनको तामसी भक्त कहा जाता है।